मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ओटावा यूनिवर्सिटी में कैमरों पर पाबंदी पर तनकीद। ट्रूडो का कहना था कि मीडिया के लिए कैनेडा में अवामी शख्सियात तक रसाई हासिल करना आम बात है। ओटावा यूनिवर्सिटी को सहाफियों को चीनी सफीर के फिल्म बंदी करने से नहीं रोकना चाहिए था। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी। शहर में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बर्फबारी के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम। चीनी एयरफोर्स के मुतअद्दिद बार कैनेडियन तैयारों को रोकने की कोशिश। कैनेडा के महकमा कौमी दिफा का कहना है कि कैनेडियन एयरफोर्स की बुनियादी तशवीश इसके हवाई अमले की हिफाजत है। अमरीकी वजीर दिफा के सामने भी मामले को उठा दिया। चीन की बढ़ती दिफाई ताकत ने अमरीका को परेशान कर दिया। पेंटागन का कहना है कि चीन के मिसाइल टेस्ट अमरीका के लिए खतरे की घंटी हैं। चीन के जौहरी हथियारों की तादाद जल्द 1500 हो जाएगी। चीन ने गुज़िश्ता साल पूरी दुनिया से ज़्यादा मिसाइल तजर्बात किए। नेटो का यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने का अज़म। नेटो चीफ का कहना है कि यूक्रेन एक ना एक रोज़ नेटो इत्तिहाद में ज़रूर शामिल होगा। रूस का कहना है कि यूक्रेन में अमेरिका की बढ़ती हुई मदाखलत तनाज़े को बढ़ा देगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ओटावा यूनिवर्सिटी में कैमरों पर पाबंदी पर तनकीद की गई। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ओटावा यूनिवर्सिटी में कैमरों पर पाबंदी पर तनकीद की गई। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कैनेडा के मुतअद्दिद रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने कैनेडा में चीनी सफ़ीर कॉन्ग पियो के साथ ओटावा यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर हॉल में तकरीब के दौरान कैमरों पर पाबंदी आयद करने पर तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि बीजिंग के कोविड-19 के खिलाफ क्रैकडाउन के दरमियान चीन में हर एक को अपने इजहार की इजाज़त होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ओटावा यूनिवर्सिटी को इस हफ्ते सहाफियों को चीन के सफीर की फिल्म बंदी करने से नहीं रोकना चाहिए था। बीजिंग, शंघाई, वुहान और कई दूसरे चीनी शहरों की सड़कों पर हजारों चीनी लोग गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सिफर कोविड पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज के लिए कई दिनों से निकल आए हैं। दरियासना कैनेडा में चीन के सफीर ने ओटावा यूनिवर्सिटी में चीन और दुनिया 21वीं सदी में तरक्की, तिजारत और हुक्मरानी के उनवान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुख्तलिफ मीडिया के सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे जब अचानक यूनिवर्सिटी ने कमरे में कैमरों की मौजूदगी पर पाबंदी के कॉन्ग के मुतालबात की तामील करने पर इत्तेफाक किया। यूनिवर्सिटी ने इमारत के बाहर उइगरों की हिमायत में होने वाले मुजाहरे के मंजर को छुपाने के लिए ब्लाइंड्स को भी नीचे किया। ट्रूडो का कहना था कि मैं वाकई की तमाम तफसीलात नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए उन्होंने कैमरों पर पाबंदी लगाने में गलती की। मेरे नज़दीक उन्होंने कैमरों पर पाबंदी लगाते हुए एक गलती की। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया के लिए कनाडा में अवामी शख्सियात तक रसाई हासिल करना आम बात है। कई दूसरे सियासतदानों और माहरीन ने भी यूनिवर्सिटी के फैसले की मजम्मत की।
एक तहरीरी बयान में ओटावा यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि अगर कैमरों को दाखिल किया गया तो उसकी कॉन्फ्रेंस मनसूख होने का ख़तरा है और कहा कि सहाफ़ियों को उस तक रसाई हासिल है। यूनिवर्सिटी ने अगली बार चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से करने का वादा भी किया इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यह अफसोसनाक सूरत हाल दोबारा पेश ना आए। यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल में कोशिश करेगी कि मीडिया की मुमकिन मौजूदगी पर तकरीबात के इनेकाद से पहले अपने मुकर्ररीन के साथ वाजे हो। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी साहिल पर शदीद बर्फबारी के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी साहिल पर शदीद बर्फबारी के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया, जिसमें शहर में 5 से 10 मिलीमीटर तक बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बुध की सुपहर से शुरू होने वाली तेज हवाओं के सबब कमजोर तनसीबात मुतासिर हो सकती हैं, जबकि दरख्तों की शाखें भी टूट सकती हैं। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को बिजली बंदिश का सामना भी हो सकता है। एनवायरमेंट कैनेडा का कहना है कि मगरबी हवाएं बुध की सुपहर शुरू होने की तवक्को है और बुध की शाम तक जारी रहेंगी। शदीद सर्द महाज के पेश नज़र हवाएं चलेंगी। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। विभाग की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि ग्रेट लेक्स झीलों के मशरकी साहिलों पर तेज तरीन हवाएं चलने की तवक्को है, जहां हवाओं के झोंके 90 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकते हैं। दूसरी जानेब ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी साहिल पर 30,000 से ज्यादा लोग बिजली से महरूम थे, जबकि मेट्रो वैनकोवर के कुछ हिस्सों को मिलाने वाला एक पुल मंगल की रात बंद कर दिया गया था, क्योंकि इलाके में बर्फबारी जारी थी। बीसी हाइड्रो ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें हॉरम्बी जजीरे और डैनमैन जजीरे के रहायशों को बुध की सुबह तक बिजली के बगैर रहने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया, क्योंकि फेरी की मनसूखी का मतलब है कि अमला मरम्मत के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। कैनेडा के महकमा कौमी दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी एयरफोर्स ने मुतअद्दिद बार कैनेडियन तैयारों को रोकने की कोशिश की है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा के महकमा कौमी दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी एयरफोर्स ने मुतअद्दिद बार कैनेडियन तैयारों को रोकने की कोशिश की है। चीनी फौजी जेट तैयारों ने शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों के नफाज की बैन अवी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जापान से निगरानी के लिए परवाज करने वाले रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के गश्ती तैयारे को कई बार रोका। कैनेडा के महकमे कौमी दिफा के एक तर्जुमान का कहना है कि कैनेडा के CP-140 अरोरा तैयारे को मुतअद्दिद मौक़ों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने ऑपरेशन न्योन के दौरान रोका, जो कि मगरबी बहरुल काहिल के इलाके में कैनेडा की मुसल्ला अफवाज की जारी पाबंदियों की निगरानी का मिशन है। महकमा कौमी दिफा की तर्जुमान के मुताबिक कैनेडा अपनी तवक्को में वाज़ेह रहा है कि तमाम मदाखलतों को महफूज और पेशावराना अंदाज में अंजाम दिया जाना चाहिए और बैन अल-अक़वामी फिजाई हदूद में कानूनी कार्रवाइयों में रुकावट डालने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कैनेडियन एयरफोर्स की बुनियादी तश्वीश इसके हवाई अमले की हिफाजत है। अरोरा तवील फासले तक चलने वाला गश्ती तैयारा अक्टूबर के अवाइल में जापान के शहर ओकिनावा में तैनात किया गया था और गुज़िश्ता हफ्ते ब्रिटिश कोलंबिया वापस लौटा था। अगरचे कैनेडा मामूल के मुताबिक इस तरह के हवाई मदाखलतों का इंकशाफ नहीं करता है, लेकिन ये मामला इस माह के शुरू में रियासत हाय मुतहदा के वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टन के दौरे पर उठाया गया था। ऑस्टन ने हेलीफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम को बताया कि हमने अमरीकी और इतिहादी अफवाज के खतरनाक PLA को रोकने की तादाद में तेजी से इजाफा देखा है, जिसमें कैनेडा के हवाई जहाज भी शामिल हैं, जो जुनूबी और मशरकी चीन के समंदरों पर बैन अल-अक़वामी फिजाई हदूद में कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। अमरीकी दिफाई सरबराह ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वह मगरबी बहरुल काहिल के खत्े और बैन अल-अक़वामी निज़ाम दोनों को अपनी आमराना तरजीहात के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहा है। कैनेडा की मुसल्ला अफवाज के मुताबिक पिछले साल एक अरोरा तैयारा ने 21 परवाजें की, जबकि 19 अक्टूबर और 30 नवंबर के दरमियान ऑपरेशन न्योन के लिए ओकिनावा में तैनात किया गया। कैनेडा की फौज ने 2018 में ऑपरेशन न्योन शुरू किया और पिछले साल अप्रैल 2023 के आखिर तक इस अजम को बढ़ा दिया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने खबरदार किया है कि चीन के मिसाइल टेस्ट और जौहरी हथियारों वाशिंगटन के लिए खतरे की घंटी हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने खबरदार किया है कि चीन के मिसाइल टेस्ट और जौहरी हथियार वाशिंगटन के लिए खतरे की घंटी हैं। चीन की बढ़ती हुई दिफाई ताकत ने अमरीका को परेशान कर दिया है। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि अगले 13 बरस में चीन के एटमी हथियारों की तादाद बढ़कर 1500 हो जाएगी। चीन अपने मिसाइल सिस्टम और फिजाई निज़ाम को मजीद बेहतर बना रहा है। इस वक्त चीन के ऑपरेशनल जौहरी हथियारों के ज़खायर 400 से तजावज कर चुके हैं। चीन की अफवाह से मुतालिक पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को जदीद बना रहा है। चीन अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को जदीद बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ये मिसाइल जौहरी हथियारों को हदफ तक ले जाने की सलाहियत के हामिल हैं। चीन ने 2021 के दौरान 135 मिसाइल तजुर्बात किए। चीन की फिजाइया तेजी से मगरबी फिजाई अफवाज के हम पल्ला होने के लिए पेश कदमी कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन बहरुल काहिल और बहर हिंद में फौज को जारहाना इकदामात के लिए तैयार कर रहा है। हालिया महीनों में चीन ने ताइवान के करीब भी बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की हैं। अगरचा ताइवान के इर्द गिर्द चीन की फौजी सरगर्मी में कमी आई है, लेकिन ये अब भी खतरात मौजूद हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता साल चीन के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बों की तादाद दुनिया के बाकी ममालिक के तजुर्बों की मजमुई तादाद से भी ज्यादा थी। चीन तेजी से अपनी फौजी ताकत और फैलाव में इजाफा कर रहा है। चीन आलमी बालादस्ती की शदीद ख्वाहिश रखता है, ताहम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी मसाइल के बाइस उसे चैलेंज दरपेश है। चीन से मुतालिक पेंटागन की रिपोर्ट कांग्रेस को पेश की जाएगी। नेटो ने यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने और रूसी हमलों से तबाह होने वाली तवानाई के बुनियादी ढांचों को ठीक करने का ऐलान किया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो ने यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने और रूसी हमलों से तबाह होने वाले तवानाई के बुनियादी ढांचों को ठीक करने का ऐलान किया है। जबकि यूक्रेन को मुसलसल फौजी इमदाद फराहम करने पर रूस ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में अमरीका की गहरी होती मदाखलत खतरा बढ़ा देगी। बुखारेस्ट में एक सरबराही इजलास में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मास्को पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मौसम सरमा को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रूसी हमलों ने लाखों यूक्रेनी बाशिंदों को मुंजमद दर्जा हरारत में बिजली और बहते पानी से महरूम कर दिया है। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन एक न एक रोज नेटो इत्तेहाद में ज़रूर शामिल होगा। इसी अमल को रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव का कहना है कि अमरीका का यूक्रेन में बढ़ता अमल दखल तनाज़े को बढ़ा देगा। मास्को से रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने कहा कि यूक्रेन पर अमरीका और रूस के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस मामले पर अमरीका और रूस का मौक़िफ यकसर मुख्तलिफ है। रूसी हमले के बाद से अमरीका और यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम कर रहे हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।